हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि पिवट टेबल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिवट टेबल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम लोग अपने ऑफिस में बहुत ही ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑफिस में बनाते क्या है, ऑफिस में बनाते हैं हम रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? समरी ऑफ द डेटा। और डेटा क्या होता है? क्लब ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आप ऑफिस में जो करते हैं वो करते हैं किसी भी डेटा को समराइज करके उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पिवट टेबल का भी सेम काम है कि डेटा को समराइज करके रिपोर्ट बनाना। क्योंकि पिवट टेबल की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इस पे साफ लिखा है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ओके ओके, सो हम इसमें भी सेम फीचर्स अप्लाई करेंगे और सेम तरीका यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा कि हम डेटा को समराइज करेंगे। समराइज करने से पहले डेटा को समझना जरूरी है कि डेटा क्या है। तो डेटा आपका एक नॉर्मल सेल्स का डेटा है। तो दो चीजें चाहिए होती है, डेटा को समझ लीजिए और दूसरा आपको चाहिए क्या ये भी पता होना चाहिए कि आपको समरी बनानी है तो क्या समरी बनानी है। तो मुझे जो समरी बनानी है वो बनानी है कि मुझे देखना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी किस मोड में बिकी है। हम बात करते हैं कि पिवट लगाने से पहले एक बार डेटा चेक कर लीजिए कि डेटा कोई हेडिंग ब्लैंक तो नहीं है, बीच में कोई डेटा ब्लैंक, पूरी की पूरी रो ब्लैंक तो नहीं है। पूरी रो की बात कर रहा हूँ, एक सेल ब्लैंक हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी रो ब्लैंक होगी तो दिक्कत है। फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर ब्लैंक पूरी तरह बीच में है तो नीड टू सिलेक्शन, इंसर्ट कीजिए, पिवट टेबल पे जाइए। हाँ, इससे पहले आपके सामने एक रिकमेंडेड पिवट टेबल आता है। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है कि आपको डेटा वो देखता है और डेटा को देखते ही आपको रिकमेंड करता है एक पिवट। ठीक है, आपको रिकमेंड करता है एक पिवट, एक एक से ज्यादा मतलब एक कुछ तरह के पिवट्स को रिकमेंड करता है आपको। तो यहां भी सेम चीज आप देख पा रहे हैं, आपको यहां में कुछ इसमें से कुछ चाहिए आपको तो ले सकते हैं, नहीं तो पिवट टेबल पे क्लिक करके खुद से पिवट बनाना है तो कोई बात नहीं बना सकते हैं। अब यहां पे मुझे सेल्स मोड को रो में रखना है, नेम को कॉलम में रखना है, नहीं सेल्स मोड को नहीं, इसको प्रोडक्ट को और क्वांटिटी को रखना है। अब देखिए इस पहलू तो जिस फीचर्स को मतलब जिस मोड को मतलब जिस फील्ड को आपको डेटा रो बाय चाहिए यू कैन पुट ऑन द रो, फिर यहाँ पे कॉलम में चाहिए तो कॉलम में पुट करें, जिस पे कैलकुलेशन करनी है उस पे आप उसको आप वैल्यू में पुट करेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ फील्ड को उठा के इन चारों खानों में रखेंगे आपका रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब यहाँ पे रखा तो सम आ गया लेकिन मुझे काउंट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए और अपना जो कैलकुलेशन चाहिए वो कैलकुलेशन को चूज कर ले। उसके अलावा फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखिए रो लेवल, यहाँ पे मुझे सेल्स मोड दिखाना था लेकिन रो लेवल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ आप चेंज कर सकते हैं सेल्स। अब यहां भी हम चेंज कर सकते हैं और ऊपर भी हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज नहीं कर सकते? यहां ये जो नंबर आ रहा है हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटल है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं
नहीं कर सकते। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, तो नॉर्मल जो डेटा फॉर्मेट करते हैं होम में जाके कलर वलर लेके फॉर्मेट करते हैं, आप यहां भी इसको कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि अगर आप यहां फॉर्मेट करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इफ फॉर्मेटिंग नॉट ए पार्ट ऑफ डेटा, पार्ट ऑफ डेटा नहीं है, तो कल के डेट में अगर डेटा इंक्रीज डिक्रीज होता है तो फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है सर। यहां पे हम क्या करेंगे, जो पिवट टेबल की डिजाइन में आप जाते हैं तो इसकी खुद की फॉर्मेटिंग है, हम यहां से इसकी खुद की फॉर्मेटिंग लेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ द डेटा हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मेटिंग अगर डेटा आप ऊपर नीचे होता है तो फॉर्मेटिंग भी उसके साथ ऊपर नीचे होगा। इसके साथ अगर चार्ट वगैरह चाहिए, विजुलाइजेशन चाहिए, तो इंसर्ट में जैसे हम नॉर्मल चार्ट लगाते हैं उस तरह से यहां नॉर्मल चार्ट लगा सकते हैं, राइट सर? ओके, ये आपका नॉर्मल चार्ट। चार्ट की भी अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसे पिवट की फॉर्मेटिंग थी ऐसे चार्ट पे क्लिक करते ही ऊपर फॉर्म आपको डिजाइन मिल जाएगा, तो चार्ट की भी अपनी डिजाइन है, आप जो डिजाइन आपको सुटेबल है उसको कर लीजिए। अब ये रिपोर्ट आपका तैयार है, अब किसी को भेजना है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर रिपोर्ट और डेटा साथ में भेजूं, पिवट के केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसको राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और यहां पे न्यू बुक को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, एक नई फाइल में आ गई। यहां पिवट पूरी तरह से काम करेगा, काम कब नहीं करेगा, जब आप रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश क्यों किया जाता है, जब डेटा में किसी तरह के चेंजिंग होती है उसको इसमें इफेक्ट करने के लिए हम रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके। ये पिवट के फॉर्मूला की तरह नहीं होता है कि ओरिजिनल चेंज हुआ, ओरिजिन चेंज हुआ तो डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाए। जैसे मैं यहाँ करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सब 3 की जगह पे 5 पे जैसे एंटर मारेंगे, यहाँ अपने आप अपडेट हो गया। पिवट के केसेस में नहीं होता है, पिवट में अगर आपने डेटा को चेंज किया तो यहां इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कब होगा, जब इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश करें। ओके, समझे? शुरुआती दौर में आपको क्या करना होगा कि पहले कुछ रिपोर्ट्स बनाने होंगे। तो ये डेटा आपको देख लिया आपने, मैंने बता ही दिया आपको, इस डेटा फाइल भेज रहा हूं सर, मुझे अपने तरफ से 10 पिवट टेबल बना के भेजिए। ओके सर, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि पिवट टेबल एक्चुअली में होता क्या है। ओके, पहले मेरे डेटा सेट पे वर्क कीजिए, फिर हम आपके डेटा सेट पे वर्क। ठीक है सर। डाउट सर? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। तो पिवट टेबल एक्चुअली कैसे काम करता समझ में आ गया। अब पिवट टेबल छोटा मोटा चीज नहीं है सर, पिवट टेबल के बिहाफ पे ही दो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, पावरपॉइंट, पावर बीआई एंड टैबलो। एक पिवट टेबल से ही इंस्पायर्ड है, इसका डीएनए या फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए पिवट टेबल है। सो पिवट टेबल इज ए बिग पार्ट इन द एक्सेल।
तो उसको जो है आप पूरी तरह से अब्जॉर्ब करेंगे, पूरी तरह से। कोई भी पार्ट, कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए।